हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुष्का। एंड गाइस, आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस। एक्चुअली गाइस, मुझे हो गया था पायरिया। ठीक है, आप सबको पता है पायरिया में क्या होता है। पायरिया में ना जो आपके टीथ हैं, यहाँ पे ना एक येलो येलो सा पत्थर टाइप, जिसको हम शायद कैलकुलस बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम का होता है आई थिंक वो। सो वो ना येलो येलो सा ना आपके ना टीथ पे ना जम जाता है, जो कि ब्रश से नहीं हट सकता, ना ही आप उसे कितना भी यूज़ कर लो, कुछ भी लगा लो, वो नहीं हटेगा। सिर्फ वो आप स्केलिंग से ही हटा सकते हो। सो गाइस, मेरे ना यहाँ पे मतलब पायरिया हो गया था, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं हुआ था, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुँच चुका था वो पायरिया। और मैंने फिर मेरे जो थे ना, ये जो होते हैं हमारे गम्स, ये एकदम स्वेलो, मतलब स्वेलोइंग आ गई थी एकदम, और एकदम सूज गए, एकदम बाहर आ गए थे, रेड रेड हो गए थे, और ना मतलब इतना इनसे ब्लड आने लग गया था, मैं बहुत परेशान होने लग गई थी। बट फिर क्या हुआ, डॉक्टर के पास जब मैं गई तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, एक डेंटिस्ट थे हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे, उन्होंने बोला कि ये तो भाई पायरिया है और इसको ना अब हमें स्केलिंग करनी पड़ेगी। सो आप सबको पता है कि स्केलिंग, आप किसी से भी सुनोगे ना, 100 में से 90% लोग आपको यही कहेंगे, स्केलिंग इज़ अ वेरी ईजी एंड वेरी नॉर्मल प्रोसेस, ये आपके सिर्फ दांतों को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। बट गाइज, लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरा जो था ना स्केलिंग का जो एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रहा। क्यों? क्योंकि जो मेरे मसूड़े थे वो फूले हुए थे, एकदम लूज हो गए थे, और जब वो हल्का सा मुझे छू रहा था, मेरा इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, इतना ज़्यादा, जो डॉक्टर थी वो भी डर गई थी, वो कह रही कि ये तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये तो मेरे मुंह से इतना ब्लड निकला, इतना ब्लड निकला हर जगह, जहाँ भी वो अपनी मशीन जो होती है उनकी, जहाँ भी वो अपनी मशीन को पिनअप कर गई, मेरे ब्लडी ब्लड, ब्लडी ब्लड, वो सिर्फ मुझे यही बोलती रह गई, स्प्लिट करो, स्प्लिट करो, स्प्लिट करो, और मैं स्प्लिट ही करती रह गई गाइज, इतना खून, इतना खून कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरा स्केलिंग का जो प्रोसेस था वो इतना ज़्यादा मतलब पेनफुल था, मुझे इतना दर्द हो रहा था, जैसे वो मशीन मेरे जा रही थी ना, मेरे ब्लडी ब्लड आ रहा था और इतना दर्द हो रहा था, मैं यही कर रही थी गाइज लिटरली। मेरी मम्मी मेरे साथ थी और मम्मी भी मेरे एकदम मतलब परेशान हो गई, क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा खून। और जो डेंटिस्ट थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने भी यही बोला कि ऐसा कभी नहीं होता है स्केलिंग में, इतना नहीं होता, एकदम माइनर सा आपका ब्लड निकलेगा तो निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलता है। वो भी यही कह रही कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो ही नहीं सकती गाइज। सो ये सबके साथ नहीं होता है, ये सिर्फ मेरे साथ हुआ। और जो मेरा फर्स्ट टाइम स्केलिंग का जो प्रोसीजर था, एक्सपीरियंस जो मेरा रहा स्केलिंग करवा के, वो मेरा बहुत पेनफुल था, मैं आज के बाद कभी नहीं चाहूँगी स्केलिंग करवाना गाइज। अब उन्होंने ना मुझे फिर क्या किया था, स्केलिंग होने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, उन्होंने मुझे टैबलेट दी थी, पेन किलर दिया था, उन्होंने मुझे माउथ, वो होता है ना माउथ, वो जिससे आप अपने माउथ को अच्छे से, माउथ फ्रेशनर जो भी होता है वो अच्छे से अपने माउथ को, आपके बैक्टीरियाज जो होते हैं माउथ में, वो उनको किल करता है। गाइज, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था, और ये एक्सपीरियंस मेरा, अभी मेरे को 4 डेज़ पहले ही स्केलिंग हुई है मेरी, अब मैं एकदम ठीक हूँ, ठीक है, जो मेरे टीथ हैं, जो मेरे गम्स हैं, एकदम मतलब ठीक हो चुके हैं, मैं ये कह सकती हूँ। और गाइज, मेरी जो मासी थी वो, उन्होंने भी स्केलिंग करवाई है, अराउंड बहुत बार करवाई है उन्होंने, पर उनके साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ, उनकी भी स्केलिंग आराम से हुई है, और पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरा जो पायरिया था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, मेरे जो गम्स थे वो एकदम सूज गए थे, ब्लीडिंग होती थी, बहुत दर्द होता था। सो गाइज, जो मेरा स्केलिंग का प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा सच में ख़तरनाक था, मैं डर चुकी हूँ अपने स्केलिंग से, ठीक है। और मैं यही कहूँगी कि आप लोगों के साथ भी, आप लोगों ने भी करवाई होगी तो आपका एकदम नॉर्मली हुआ होगा, बट मैं यही कहूँगी कि जो पायरिया है उसको अवॉइड कभी मत करना, अगर आपके दांतों में भी वो चीज़ जम गई है, क्योंकि मेरे भी जम चुकी थी बहुत पहले, बट मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अगर आपकी भी पायरिया येलो येलो दांतों में बहुत ज़्यादा जम चुका है, तो प्लीज़ उसे क्लीन करवा लो आप टाइम रहते, अदरवाइज़ आगे वो बहुत पेन दे सकता है आपको।
और डॉक्टर जो थी वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने जो मुझे बहुत सारी चीज़ें दी थी, उन्होंने मुझे एक मसाज करने के लिए ना, गम की मसाज करने के लिए, ताकि जो हमारे जो गम्स हैं ना वो नॉर्मल कंडीशन में चले जाएँ, इसलिए उन्होंने मुझे एक मसाज करने के लिए भी दी थी। ट्यूब लाइक ट्यूब थी वो एक, उनसे आपको अपने गम पर मसाज करना था ताकि जो गम है ना वो टाइट हो जाए, ठीक है, लूज गम नहीं होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। और उन्होंने एक टूथपेस्ट दिया था मुझे और उन्होंने कहा था हर दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना, ठीक है। बेसिकली पायरिया इसलिए ही होता है, उनका यही कहना है कि जो पायरिया है वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी ब्रश टेक्निक ठीक नहीं है। बट आई डोंट नो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं बचपन से ब्रश करती आ रही हूँ, इतने अच्छे से करती आ रही हूँ, बट हो जाता है किसी किसी को। सो गाइस, अगर आपके साथ ऐसा है तो आप उसे क्लीन ज़रूर करवाओ, वरना आगे वो बहुत दिक्कत दे सकता है। मेरे भी बहुत पहले से ही हो गया था, बट टाइम लगा उस प्रोसीजर को आगे बढ़ने में, दर्द हुआ धीरे धीरे, स्वेलिंग आने लग गई गम्स में, ब्लडिंग होने लग गया बहुत ज़्यादा, ब्लीडिंग मेरे सबसे ज़्यादा हुई है इस पूरे टाइम में। कम से कम 10-15 दिन मैंने वेट किया था ये सोच के कि शायद मेरा जो मैंने घर के ही नमक में पानी डाल के गागल करना गर्म पानी में, कहते हैं ना बहुत सारे घर के नुस्खे होते हैं, बट वो प्लेक क्यू जो आपका जम जाता है ना, जब तक वो हटेगा नहीं तब तक वो ठीक ही नहीं हो सकता, और वो हटेगा तो सिर्फ उस मशीन से ही हटेगा। सो गाइस, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए क्योंकि मुझे बहुत दर्द हुआ था, मेरा बहुत ब्लीडिंग हुआ था। सो मैं इसलिए सोचा कि मैं आपको भी बता दूँ, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग जितने भी, मतलब मेरे लाइफस्टाइल के ऊपर है ये मेरा ब्लॉग, जो भी मेरी लाइफ में होता है, जो भी चल रहा होता है मैं वही बताती हूँ और एकदम अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो मैं वहाँ के ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ। तो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।